नमस्कार दोस्तों, वेलकम लाइफ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटी जरूर दबा दे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। और देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि जो मैनुअल जो कंपनी की तरफ से एक गाड़ी के अंदर जो गियर चेंज स्पीड होती है वो कितनी होती है, तो सब कुछ बताऊँगा आपको। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए एंड तक, लाइक ज़रूर कर देना। चलिए अब वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो कंपनी का गियर शिफ्टिंग पैटर्न रिकमेंडेड गियर शिफ्ट स्पीड व्हीकल स्पीड किलोमीटर गियर्स, और यहाँ पे पूरा जो है बना के रखा है चार्ट। तो ये जब कंपनी न्यू गाड़ी होती है तब कंपनी जो है बनाकर देती है। अब बाद में तो जो भी गाड़ी ड्राइवर चलाता है वो अपने हिसाब से सब कुछ चला लेता है, अपने हिसाब से ही गियर चेंज करता है। तो ये गाड़ी है टाटा की, पुरानी गाड़ी है। तो अब इसके अंदर जो गियर चेंजिंग है, पहले तो ये जाने थे इसमें गियर कितने हैं। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स एंड आर। आर का मतलब होता है बैक गियर, ठीक है, ये गियर है इसमें। तो यहाँ पे जो है गियर का बना रखा है मैनुअल। तो फर्स्ट गियर से सेकंड गियर व्हीकल स्पीड किलोमीटर, तो 6 की स्पीड दिखा रही है। देखिए, इस गाड़ी बड़ी गाड़ी के अंदर 6 की स्पीड, और सेकंड टू थर्ड दूसरे गियर से तीसरे गियर में 10 की स्पीड, और थर्ड गियर से फोर गियर 18 की स्पीड, और फोर से फाइव गियर 27 की स्पीड, एंड फाइव से सिक्स जो कि टॉप गियर होता है उसमें 40 की स्पीड दिखा रखी है। तो ये जो है मैनुअली एक चार्ट है टाटा गाड़ी का। अब व्यक्ति किसी भी हिसाब से गाड़ी चलाता है वो उसकी मर्जी है, लेकिन जो मैनुअली चार्ट कंपनी ने बना रखा है तो ये वो चार्ट है। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही, और ये जो है बना रखा है नायलॉन ट्यूब इस्तेमाल करने की सूचना है, जो नायलॉन ट्यूब है उसको सूचना दे रखी है इसमें, ठीक है। ये जो नीचे कवर लगा हुआ होता है, तो ये नीचे आपको जो है जो भी गर्म वस्तुएं, गलत इस्तेमाल, नुकीली चीज़ें, वेल्डिंग, जो भी जिस चीज़ से आग लग सके उसके बारे में बता रखा है, या ऐसी कोई चीज़ जिससे गाड़ी को क्षति पहुंच सके, नुकसान, उसके बारे में बताया है। तो ये कुछ नॉलेज आपको देना चाहता था। और ये देखिए, पुराने टाइम को लिख रहा है, इंजन चलाने के पहले वे बंद करने से पहले 1 मिनट तक आइडलिंग स्पीड पर चलाएं, गाड़ी को हमेशा पहले गियर में स्टार्ट करें, ठीक है, इससे क्लच कम घिसेगा। गाड़ी को हमेशा गियर में स्टार्ट करना चाहिए। इंजन आयल फिल्टर कार्ट्रिज को ये थोड़ा है यहाँ पे भिजन गया है। तो ये कुछ नॉलेज है, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।